क्या कर तुम्हें वॉट प्लीज वॉट प्लीज नंदनी क्यों कर रही हो ऐसा? क्या हो गया तुम्हें? बोलो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम हंस सको, मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट देख सकूं। मुझे पहले लगता था कि तुम उस बच्चे की वजह से मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है इस घर में। क्यों कर रही हो तुम ऐसा नंदनी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ नहीं करते। ऐसी बात नहीं है प्रेम, आप सही कहा, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्या हक है तुम्हारे मन की बात जानने का? गलती मुझसे हुई। उठो तो सही प्रथम। मैंने प्रेम और नंदिनी को अलग अलग सोते हुए देखा। मम्मी, तुम उनके कमरे में क्यों गई थी? इट्स बैड मैनर्स, किसी के कमरे में ताक-झांक नहीं करते। अरे मैं ताक-झांकी नहीं करने गई थी, उनका दरवाजा खुला था, वहां से गुजर रही थी, तब देखा मैंने। ठीक है ना यार, कोई झगड़ा हो गया होगा। नहीं नहीं शादी ऐसा होता है, मैं प्रेम से बात कर लूंगा। लेट मी स्लीप। प्रथम प्लीज, प्रथम उठो ना, बात करेंगे ना प्लीज प्रथम। आपके लिए चाय, खास आपके लिए बनाई है। काकू साहब जब नाराज होती थी तो उनको भी मैं ऐसे ही चाय पिलाया करती थी। और वो मैं तुम्हारी काकू साहब नहीं, प्रेम तुम्हारा पति। तुम जो क्या यूं कहूं कि मैं वो हूं जिसे सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होना चाहिए। नंदनी, मैं जानता हूं कि मैंने खुद तुमसे कहा था कि हम पहले दोस्त बनेंगे फिर पति पत्नी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम माँ की सेवा करती हो, घर वालों के बारे में सोचती हो, यहाँ तक कि उस अनजान बच्चे की इतनी देखभाल करती हो। अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं प्रेम खो गया है। What about me? मैं कहाँ हूँ इसमें? क्या बात है? बताओ मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है प्रेम, बात बस ये है कि कोई जवाब नहीं है। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं है नंदनी तुम्हारे पास। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या है, मैं जानना चाहता हूं।
मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती। या मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। बहुत दुख होता है नंदनी, बहुत दुख होता है ये जानकर कि मेरी पत्नी नंदनी मुझ पर अब भी विश्वास नहीं करती। नहीं प्रेम, प्रेम मैं आप पर विश्वास करती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आई को दिया वचन पूरा कर सकूं। दोबारा ऐसे बात की ना तो याद रख चप्पल से मारूंगी और मार मार के पूरे मोहल्ले में घुमा दूंगी। हलकट मिली क्या हुआ आई, आज किसकी शामत आई? अरे ये सब उस नंदनी की वजह से हुआ है। खुद तो चली गई, सुनना हमको पड़ता है। बदनाम करके रख दिया हम सबको। पर हुआ क्या है, साफ साफ बताना। अरे वो शांति पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हमारे बारे में। वो कलमई को तो मिल गई डॉक्टर नहीं, लेकिन तेरा क्या होगा सुमी? कौन शादी करेगा तुझसे? वो आई इतनी सी बात। अरे अगर ऐसे हुआ ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। देख वैसे भी मैं शादी करके चली जाऊंगी तो ये मीठी मीठी बातें कौन सुनेगा? या फिर एक ऐसा काम करते हैं, मैं ना अपने लिए एक ऐसा घर ढूंढती हूँ जहाँ मैं अपने साथ साथ दहेज में ना अपनी प्यारी सी आई को भी ले जा सकूं। क्या कहती है? ये सब तेरा ही सिखाया है ना इसे? तू भगाना चाहती है ना मुझे इस घर से? ओफो आई तू भी ना, चलो उठ उठ, भूख लगी है मुझे, चलना आई। वैसे भी मुझे तेरे हाथों से खाने का बहुत मन कर रहा है, चल चल चल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या न्यूज है आज? ये लीजिए। अरे नंदनी मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, प्लीज माइक्रोवेव में गर्म कर दो। अरे बेटा जरा चाय रखिए, मेरे वहां छान के दे दे मुझे। हो आई वो प्रथम भाव जी की कॉफी गर्म करनी थी। तीनों चूल्हों पे तो खाना बन रहा है, आप माइक्रोवेव में रख दो ना। खड़ी क्यों हो? माइक्रोवेव वापरना नहीं आता? मैं बताती हूँ। ताई आप कर लोगी ना, क्योंकि मुझे सबके कपड़े इस्त्री करने हैं।
माइक्रोवेव में कब किसने रखा था? मैंने बोला था नंदनी को, बोला। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं हूं ना, थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, तुम वेट नहीं कर सकते थे? नंदनी से हेल्प क्यों मांगी तुमने? जब लोग तुम्हारा काम ठीक से नहीं कर सकते तो क्यों अपनी इंसल्ट करवाते हो तुम? ऐसी बात नहीं है बहनी। क्या हुआ? पापा देखिए ना, मामा ने मुझे हमारी थर्ड एनिवर्सरी पे ये कप गिफ्ट किया था। नंदिनी ने इसे ओवन पे रख दिया और वो टूट गया। बेटा नंदिनी को माइक्रोवेव इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए। नहीं जानती तो हाथ क्यों लगाया? सुमन से कह देती। उसे कुछ आए ना आए, सब लोग नंदिनी की आरती उतारते रहते हैं। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, बस जैसे यही है घर में और कोई नहीं है। उर्मिला इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मॉम ये छोटी सी बात नहीं है। उस दिन भी आपने उर्मिला को ताना मारा कि वो मां नहीं बन सकती, मैंने कुछ नहीं कहा। बात क्या है मॉम, नंदिनी की हर छोटी बड़ी गलती पे आप पर्दा डालते हैं। लेकिन उर्मिला की किसी बात का इंपॉर्टेंस नहीं आपको? उस कप के साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी थी, ये बात छोटी होगी तो आपके लिए। भाई छोड़िए ना प्लीज, क्यों बेकार में प्लीज। प्रेम तुम बीच में मत बोलो, प्रथम जो कह रहा है वो गलत नहीं है। आप लोग क्यों सुबह सुबह इतना झगड़ा कर रहे हैं? प्रथम बेटा मैं समझती हूँ कि उर्मिला को बुरा लगा, लेकिन नंदिनी ने ये जानबूझकर तो नहीं किया है ना? नंदिनी बेटा उर्मिला से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए बहनी। मेरी प्यारी बिटिया कैसी है? ठीक ठीक। जीते अब ठीक हो? क्या ठीक हो, देखिए इनकी हालत देखिए, कितने दुबले पतले हो गए बाबा। मैं कहती हूँ कि घर पर आराम करो। नहीं आए के घर जाऊंगा, दादा से मिलूंगा। बाबा मैंने इनको समझाया कि लड़के नहीं जाते मायके, लड़कियां जाती है। बाबा मैंने पूरा कमरा सजाया, बेड पर ना रोज पेट्रोल से पूरा हार्ट ऐसे रखा था बेड पर, दीवार पर गेट वेल सून, तीन तीन व्हीलचेयर लाई थी। बस 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 मैं समझ गया तेरी बात, बैठो। बाबा सांगा ये बार बार जाने की जिद क्यों करते हैं? क्या बात, यहां कोई परेशानी है? या कोई तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख रहा, या फिर कोई और बात? जी नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं।
वो बस आई कभी कभी परेशान हो जाती है इसलिए। दुनिया की हर आई अपने बेटे के लिए परेशान हुआ करती, लेकिन अब तुम सिर्फ अपनी आई के बेटे नहीं, हमारे घर जवाई भी हो। तुम सिर्फ हमारे घर जवाई नहीं, हमारा बिजनेस भी संभालते। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ये हर बार घर जाने की जिद क्यों करते हो? जी, नहीं जाऊंगा। जी, मैं इसको स्त्री कर देती हूँ। मुझे रात में देर होगी, इंतजार मत करना। मोरा पिया मुझे बोलत ना, मोरा पिया मुझे बोलत ना। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? दर्पण देखूंगा रूप निहारूं, ओ दर्पण देखूं रूप निहारूं, और सोला श्रृंगार करूं, फिर नजरिया बैठा मेरी कैसे अखियां चार करूं। कोई जतन अब हो, कोई जतन अब काम ना आवे, उसे कछु सोहत ना है। मोरा पिया मुझसे बोलत ना है, मोरा पिया मुझसे बोलत ना। बहुत दुख होता है जानकर कि मेरी पत्नी नंदिनी मुझ पर अब भी विश्वास नहीं करती। ओ भागई का कोई सोतन ओके, मोरा कछु भावत नाही, मोरा पिया मुझे बोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत ना। दौर जिया के